भोले भंडारी, आज दिनांक 7 जनवरी 2024 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। हे ईश्वर, तू सबका भला कर। मैं आपका दोस्त मंगल, आज का मेरा काम सुनिए, जिससे मेरी भी दिहाड़ी बन जाए। पहले तो आप आज के वीडियो के टाइटल को सुन लीजिए। टाइटल ये देखिए, विषय टाइटल, भारत में करोड़ों इन मानव जीवों को बचाना है तो अभी सुन लो और सबको सुना दो, यानी शेयर कर दो कि यह अलवर वाला मंगल क्या बोल रहा है। दोबारा सुन लो, सारा संसार इनको सुनेगा। तो पहले सुन लो, भारत में रहते हो क्या, कि भारत के करोड़ों इन मानव जीवों को बचाना है तो अभी सुन लो और सबको सुना दो, यानी शेयर कर दो कि यह अलवर वाला मंगल क्या बोल रहा है। आज इसने क्या बोला, आप सुने या नहीं सुने, यूट्यूब वाले सुनने दे या नहीं सुनने दें, रीचि ख़त्म कर दें तो क्या करें, ब्रह्मांड सुनाएगा तो सुनना पड़ेगा। हाँ तो भाई, आज मैं क्या सुना रहा हूँ, आज मैं यह सुना रहा हूँ दोस्तों, यह सुना रहा हूँ कि आप क्या सोच रहे हो, क्या होगा 22 जनवरी को, क्या होगा उसके आसपास, क्या होगा लोकसभा चुनाव में, कौन गद्दी पर बैठेगा, कौन कौन इंतज़ार कर रहा है। तो दोस्तों सुनो, इस दुनिया में सब कुछ है लेकिन एंटाइटलमेंट का है। यदि तुम डिजर्व करते हो तो तुम्हारे लिए इस दुनिया में सब कुछ मौजूद है, और डिजर्व नहीं करते हो तो बैठे रहिए। मतलब कि क्या होगा 22 जनवरी जो 2024 के आसपास, मई 2024 को लोकसभा इलेक्शन के आसपास क्या होगा भाई। तो सुनो क्या होगा, वह कह रहा है, वह सोच रहा है कि शायद मेरा नंबर आ जाए भाई। वह मैडम बोल रही है कि शायद मेरा नंबर आ जाए किसी हाथ से। ये लोग बलंकारी तो बोल ही रहे हैं कि हम तो करेंगे, और भारत पर जूते से राज करेंगे, या तो हमको चुनाव लोग वोट दे दें, नहीं तो ईवीएम जितवाएगी, नहीं तो देखो ये चीन के प्रतिनिधि आए हैं, चीन की मिलिट्री भी हम बुला लेंगे, राज तो हम ही को करना है। मतलब क्या यह माहौल चल रहा है, पत्थर में प्राण डालना। अरे भाई, तुम पहले एक टूटे हुए पत्ते को वापस तो लगा दो, प्राण प्रतिष्ठा करोगे और वह भी कोई पवित्र आत्मा करे तो समझ में आ जाए कि भाई हाँ, इसने कर दिया होगा। यह प्राण प्रतिष्ठा करेगा, ऐसे लोग प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, पत्थरों में प्राण डाल देंगे तो भाई क्या होगा, सुनिए क्या होगा, उत्तर क्या है इसका, बड़ा अद्भुत होगा। अच्छा, क्या मतलब, बड़ा हॉरिबल होगा और वही बड़ा अच्छा होगा। अब जो भारत में होने जा रहा है, अगले सालों में जो होगा, इन दो चार महीनों में, फिर दो चार महीनों में, फिर साल में, फिर दूसरे साल में,
बड़ा अद्भुत होगा, हॉरिबल होगा, अच्छा होगा। भारत का आकाश, फिर सुन लो, भारत का आकाश चिर प्रतीक्षित भयानक घटनाओं से भर जाएगा। फिर सुनो अच्छी तरह से, भारत का आकाश चिर प्रतीक्षित भयानक घटनाओं से भर जाएगा। वे घटनाएं बड़ी अद्भुत अच्छी होंगी, और उनमें से एक घटना का नाम है, अशुद्धिकरण। भारत का सब इंतजार कर रहे हैं, मैं बन जाऊं राजा। अरे बन कर तो देखो, वो जो बन गए उनकी क्या हालत हुई है। यदि तुम किसी चीज का एंटरटेन नहीं करते तो उस चीज को हाथ मत लगाओ, वह चीज खा जाएगी। क्या होगा? बड़ा अद्भुत होगा, बड़ा हॉरिबल होगा, बड़ा अच्छा होगा। भारत का आकाश चिर प्रतीक्षित भयानक घटनाओं से भर जाएगा, और उनमें से एक नाम है अशुद्धिकरण। ये हजारों नामों में से एक नाम अभी मुझे उन देव आत्माओं ने बताया कि मंगल, उसका नाम है अशुद्धिकरण। भाई अशुद्धिकरण क्या है? पहले इसकी आप भूमिका सुन लीजिए। कोई कोई साधु महात्मा बताते हैं, जैसे बापूजी दशरथ भाई बता रहे थे, मैंने देखा वो सूर्य पे एलियन अंदर है, मुझे उनकी बात सही लगती है, मुझे भी ऐसा ही पता चला है कि सूर्य के अंदर भी जीव रहते हैं, इस दुनिया में भूत प्रेत भी रहते हैं, एलियन भी रहते हैं, फरिश्ते भी रहते हैं, राक्षस और पिशाच भी रहते हैं, यहाँ भगवान खड़ा है, बस तुम्हारे देखने वाली आंखें चाहिए, आपको महसूस करने वाला आप में हृदय होना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ खड़ी हैं। उन देवात्माओं ने, उन फरिश्तों ने मुझसे कहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, और मेरा विज्ञान श्री विद्या विज्ञान से भी ऐसा ही निकलता है कि ऐसा होगा। उनमें से एक नाम है अशुद्धिकरण। अरे भाई ये क्या नाम है अशुद्धिकरण? एक घटना है अशुद्धिकरण, तो सुन लिया ये क्या है। मैं अभी अनसीन एंटिटीज को देखने की बात बता रहा था, वे कहते हैं मैंने देखी है, उसने भूत देखा है, उसने प्रेत देखा है, उसने ये देखा है, उसने देखा है। मैंने ये देखा है कि उन आत्माओं को चिल्लाते हुए जो शुद्धिकरण की बलि चढ़ गई। भाई क्या था शुद्धिकरण? आप भूल गए होंगे, दुनिया भूल जाती है, लेकिन वे आत्माएं नहीं भूलती, वो समय नहीं भूलता, ईश्वर नहीं भूलता, टाइम नहीं भूलता, ये ब्रह्मांड नहीं भूलता कि क्या घटित हुआ है। और एक चीज़ घटित हुई है तो उसकी रिवर्स भी घटित होगी। कभी शुद्धिकरण प्रथा चलती थी, अब अशुद्धिकरण आएगा, और ये तो उन हजारों घटनाओं में से एक घटना होगी। तैयारी कर रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, मैं 22 तारीख के आसपास ये कर दूँ, मैं राजा बन जाऊँ, वही होने जा रहा है जो फरिश्ते मुझे बताते रहते हैं। तो भाई भाई चलो पहले इस शुद्धिकरण को देख लो। अशुद्धिकरण हो रहा है मतलब क्या? कि पहले जो शुद्धिकरण होता था, क्या था शुद्धिकरण? बहन बेटियों को अपने शादी के समय अपने घर वाले के पास जाने से पहले 7 दिन तक किसी और के पास रहना पड़ता था, ये शुद्धिकरण प्रोसेस थी। तुम भूल गए होंगे, जमाना भूल जाता है, समय नहीं भूलता, वे आत्माएं नहीं भूलती जो मुझे कहती हैं, जो अंतरिक्ष में विचरण करती हैं। कि कह रही थी मंगल, ये अशुद्धिकरण कब होगा? मैंने कि जरूर होगा, यदि किसी ने शुद्धिकरण किया है तो वह अशुद्धिकरण भी होगा, और तब पता चलेगा कि सूरज किधर से निकलता है।
आप कहोगे भाई क्या कर रहा है, क्या करें भाई अपनी अपनी मजबूरियाँ। अभी मैं खाना खाने वाला था, यह देखिए ये मेरी 5 रोटियाँ, यह सब्जी और ये मेरी स्पेशल डिश शकरकंदी रखी है। पुत्रवधू लाई, पापा खाना खा लो। लेकिन खाना वो फरिश्ते लोग खाने दे तबने, वे आत्माएं अंतरिक्ष में विचरण करने वाली खाने दे तबने, कहते हैं पहले वीडियो बनाओ। क्या और क्या वीडियो बनवाया, हजारों लाखों घटनाओं में से सब्जेक्ट में से एक उन्होंने दिया, अशुद्धिकरण। शुद्धिकरण लोगों ने शुद्धिकरण किया है, भूल गए मजे ले ले करके, उनको पता नहीं अशुद्धिकरण होने वाला है। तब ये प्लस माइनस मिल करके जीरो बनेंगे, जो हम बताते रहते हैं हमारे सिद्धांत में कि ये ट्राइंगल बताता है जीरो प्लस माइनस का सिद्धांत। पहले बहुत कुछ घटित होगा मेरे दोस्तों, इंतजार कर रहे हो? मैं राजा बनने वाला हूँ, मैं माओ त्से-तुंग बनने वाला हूँ, मैं शी जिनपिंग बनने वाला हूँ, जूते मार मार कर लोगों से वोट लेंगे, नई दारू की बोतल पहुँचा पहुँचा कर वोट लेंगे, नहीं देंगे तो ईवीएम से वोट लेंगे, तभी भी नहीं दिया तो विदेशी सेनाओं को बुला बुला कर देश में उदम मचवाएंगे और फिर सत्ता तो हम ही के पास रहनी है। लेकिन याद रखो लोगों, आपके हमारे जैसे कितने बलंकारी इस देश दुनिया में आए हैं, रोजाना आते हैं चले जाते हैं, जरा आंखें खोलो कि यह दुनिया किस चिड़िया का नाम है। जो शुद्धिकरण हुआ अब वो अशुद्धिकरण हुआ होगा, और अशुद्धिकरण का मतलब बलवा होगा, भयानकता होगी। जब तक ये नहीं होगा, जमाना आगे नहीं बढ़ेगा। मैं ये शब्द सबके भले भले के लिए बता रहा हूँ, विज्ञान है और विज्ञान सभी को जानना चाहिए कि कुछ भी घटित क्यों होता है। इसलिए देवों ने सब्जेक्ट लिखाया कि भारत के करोड़ों इन मानव जीवों को बचाना है तो अभी सुन लो, सबसे पहले सुन लो, सबको सुना दो, शेयर कर दो कि ये मंगल अरवल अलोर वाला मंगल क्या कह रहा है, या चूचू का मुरब्बा नहीं है, या मम्मी का हलवा बना हुआ ही नहीं है, ये ब्रह्मांड है, इसमें ब्रह्मांड के नियम काम करते हैं। चाहे वो कुछ समय बाद आए, महीने भर बाद आए, 2 महीने भर बाद आए, 1000 साल बाद आए, 2000 साल बाद आए, वे तो आएंगे, हमें ये पता नहीं चलता कि ये कैसे घटित हो गया। हाँ, जब हम घटित कुछ करते हैं हमें ये पता नहीं चलता बकरे का मीट कितना टेस्टी खाया है, तब पता चलता है जब अपना खाया जाएगा। संक्षेप में यही सुन लो दोस्तों, समझ लो, शुद्धिकरण प्लस अशुद्धिकरण बराबर जीरो, ये तो तभी होगा। और इस सत्ता की वेदी पर ऐसे नहीं बैठे जाता, हजारों लाखों सत्ता के चक्कर में जल भुन गए हैं, जिनको चिल्लाने का मौका नहीं मिला, नाम मुझसे मत लिखवाओ, मत बुलवाओ। भाई मेरा क्या, मैं तो एक बूढ़ा सा असहाय सा आदमी हूँ, रोटी खाने के लिए भी इंतज़ार कर रहा हूँ, मेरा काम हो जाए तो मेरी दिहाड़ी पक्की हो जाए, आगे मैं बोलूँ। अभी समझ जाओ, होना तो वही है जो मेरे मुझे बताया गया है, मेरे देवों ने, मेरे मास्टर ने, एलियंस ने, उन फरिश्तों ने बताया है कि ऐसा हो रहा है, इन्हें राजी हो लेने दो। आज इतना ही, जय हिंद जय भारत।